नमस्कार दोस्तों दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नेटवर्क मार्केटिंग का जो रास्ता है वो थोड़ा कठिन भी है और थोड़ा आसान भी है, यानी कि काफ़ी सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग के रास्ते को बहुत ही ज़्यादा टफ मानते हैं और काफ़ी सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग के रास्ते को बहुत ही ज़्यादा आसान मानते हैं। अब टफ वो लोग मानते हैं जिनको जोड़ने की आदत नहीं है, उनको हमेशा तोड़ने की ही आदत बनी हुई है, यानी कि वो किसी को जोड़कर खुश नहीं रहते और वो हमेशा तोड़ने में लगे रहते हैं। उनके लिए नेटवर्क मार्केटिंग का रास्ता बहुत ही कांटों भरा, पहाड़ भरा, पथरीला और चलने लायक नहीं मानते हैं। लेकिन जो लोग एक दूसरे को जोड़ने में विश्वास रखते हैं, जो लोग एक दूसरे को नजदीक लाने की कोशिश रखते हैं, एक दूसरे के ये मान लीजिए विचार को आपस में सुनते हैं और उनके सहयोग करते हैं, उनकी मदद करते हैं, ऐसे लोग नेटवर्क मार्केटिंग के रास्ते को बहुत ही आसान मानते हैं और वो अपने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अपनी टीम डेवलप कर कर हजारों लाखों रुपए भी हर महीने कमाते हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो नेटवर्क मार्केटिंग के रास्ते के अंदर कुछ समस्याएं उत्पन्न होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि उसके अंदर आपको एक गोल्डन रूल का नाम हम यहां पर देंगे कि अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सफल होना है तो ये कुछ नियम आपको अपनाने होंगे और अगर आप ये नियम अपनाते हो तो आप नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से अपनी टीम भी ज़्यादा से ज़्यादा बना सकते हो और उस टीम के माध्यम से आप हजारों लाखों रुपए हर महीने कमा सकते हो, साथ ही साथ आप अपने जीवन के सारे सपने नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से पूरे भी कर सकते हो। तो सबसे पहला नियम हम आपको बता दें, सोचिए कम और करिए ज़्यादा। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सारे लोग सोचने विचारने में अपना समय खराब कर देते हैं और करते कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सोचो भी लेकिन करो भी, यानी कि आपको करना पड़ेगा। सोचना जरूरी है लेकिन करना उससे ज़्यादा जरूरी है। जब आप कुछ करोगे तभी आपको कुछ प्राप्त होगा, सोचने से आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला। दूसरा सबसे बड़ा नियम जो कि हम कह सकते हैं कि गोल्डन रूल, वो आपका है, कभी भी अपने ऊपर आप डाउट ना करिए, यानी कि अपने ऊपर कभी भी डाउट मत करिए। आपको अपने ऊपर हमेशा कॉन्फिडेंस रखना होगा। अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है तो दुनिया आपके ऊपर कॉन्फिडेंस कैसे करेगी, दुनिया आपके ऊपर विश्वास कैसे करेगी। आपको अपने ऊपर विश्वास रखना होगा, तभी लोग आपके ऊपर विश्वास करेंगे, तभी आपके साथ जुड़ेंगे। तो हमेशा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, अपने ऊपर कभी भी डाउट मत करिए। तो ये नियम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी सारे लोग अपने ऊपर शक करते रहते हैं कि यार ये मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो कभी भी अपने ऊपर डाउट मत करिए और अपने ऊपर हमेशा कॉन्फिडेंस रखिए, ताकि लोग भी आपके ऊपर विश्वास करें और आपके साथ जुड़ते हुए वो अपनी टीम को ज़्यादा से ज़्यादा बनाते चले जाएं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करते चले जाएं। और अगली अगर तीसरे पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो कई लोग अपने पास्ट में ही रहते हैं, यानी कि पास्ट की बातों को अपने दिमाग से निकाल नहीं सकते हैं। बार बार पुरानी बातों को याद करते रहते हैं, पुरानी बातों को सोचते रहते हैं कि यार हम पहले भी इस कंपनी में काम किए थे और पहले हमने इतनी बड़ी टीम बनाई थी और हमारी इस गलती के कारण या सीनियर की गलती के कारण या कंपनी की कुछ गलती के कारण, कंपनी को कुछ नियम के कारण हमारा सारा का सारा काम गुड़ गोबर बन गया। तो यहां पर पास्ट में कभी भी अटके मत रहिए, अपनी पुरानी बातों को याद कर कभी भी आज का समय अपना बर्बाद मत करिए। अगर आप पुरानी बातों को सोचते रहोगे तो कभी भी आप अपनी जिंदगी के अंदर आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो पुरानी बातें जो बीत गई उसको
कभी भी याद मत करिए, हाँ उससे कुछ ना कुछ सीखते रहिए और उसकी जो भी कमी थी उसको आने वाले समय में दूर करने की कोशिश करिए, ताकि आपको उस प्रकार से दोबारा से अपने भविष्य के अंदर पछताना ना पड़े। तो पुरानी बातों को अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल कर बाहर फेंकिए और आने वाले समय के बारे में आप सोचते रहिए कि आने वाले समय को आप किस प्रकार से बेहतर बना सकते हो। तो पुरानी बातों को सोचना बंद करिए और उसको सोचकर अपने इस वर्तमान समय को और आने वाले समय को खराब मत करिए। काफी सारे लोग उसी बातों को सोचते हुए रहते हैं और आने वाले समय में भी बिल्कुल वो नेगेटिव पॉइंट ही बना के रखते हैं और अपनी नेगेटिव थिंकिंग के कारण वो कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो पुरानी बातों को आपको भूलना होगा और अपनी उन पुरानी बातों से सीख लेकर अपनी लाइफ के अंदर आपको नए सिरे से आगे बढ़ना होगा, तभी आप आगे सफल हो सकते हो। अन्यथा अगर आप पुरानी बातों में उलझे रहे तो जिंदगी के अंदर आप कभी भी सक्सेस नहीं पाओगे। जी हाँ दोस्तों, तो पुरानी बातों को भूलिए और उससे कुछ सीख लेकर आप दोबारा से आगे बढ़ते रहिए और अपने आने वाले समय को सुखद बनाते चले जाइए। और अगले चौथे पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो गोल फिक्स करना। यहां पर हम बोलेंगे कि आपका लक्ष्य डिसाइड होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हो और आखिर आप इससे अपने सारे के सारे सपने किस प्रकार से प्राप्त करना चाहते हो। आपको अपना शेड्यूल बनाना होगा, उसके लिए आपको अपना एक लक्ष्य बनाना होगा कि हाँ इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें कम से कम इतना समय लगेगा और अगर हम एक दिन के अंदर इतनी मेहनत करेंगे तो यहाँ तक हम कितने समय में पहुँच सकेंगे। तो सारा का सारा शेड्यूल आपको बनाना होगा, अपना लक्ष्य बनाना होगा, अपना गोल डिसाइड करना होगा और जब आप अपना गोल अपना लक्ष्य डिसाइड कर लोगे तो उसकी प्राप्ति के लिए आपको निरंतर शेड्यूल बनाकर उसकी ओर बिल्कुल अग्रसर होते रहना होगा। बार बार आपको उसके जल्दी से जल्दी प्राप्ति के लिए आपको निरंतर प्रयास करते रहना होगा। तो सबसे मेन चीज है नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए कि आपको अपना लक्ष्य पता होना चाहिए और आप अपने गोल को बिल्कुल बनाकर फिर आगे बढ़िए, तभी आप सफल बन सकते हो, तभी आप सारे के सारे सपने नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से पूरे कर सकते हो। और पांचवा और अंतिम पॉइंट जो कि बहुत ही ज्यादा दमदार और हम कह सकते हैं कि हमारी नेटवर्क मार्केटिंग की एक नींव हम बोल सकते हैं या जड़ हम बोल सकते हैं या हमारा ये मान लीजिए आधार हम बोल सकते हैं, हमारे संगत। जी हाँ दोस्तों, संगत हमारी पूरी की पूरी लाइफस्टाइल बदल देती है। जिस प्रकार के लोगों के संगत के अंदर आप रहते हो, जिस प्रकार के लोगों की संगत के अंदर आपका उठना बैठना है, जिस प्रकार के लोगों की संगत के अंदर आपका हाव भाव उठना बैठना खाना पीना रहन सहन है, वो संगत का असर बहुत ही ज्यादा आपके ऊपर होता चला जाता है। तो अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सफल होना है तो आपको सफल इंसानों के साथ जुड़ना होगा, आपको ऐसे लोगों के साथ अपनी संगत बनानी होगी जो कि लक्ष्य बनाते हैं, जो कि बड़ा सोचते हैं और उसको प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी तुच्छ सी बात मैं यहाँ पर जरूर बोलना चाहूंगा कि आपको कुछ आलसी लोगों को भी अपने साथ लेकर चलना है। यहाँ पर मैं ये शब्द इसलिए बोल रहा हूं कि आलसी लोग काम नहीं करते हैं, आपको आगे बढ़ने से रोक देंगे, लेकिन उनका एक बेनिफिट आपको सबसे बड़ा मिलेगा कि आलसी लोग काम को सरल बनाने के लिए कुछ ना कुछ शॉर्टकट जरूर अपनाते हैं। तो वो शॉर्टकट आपको मात्र और मात्र आलसी लोगों से ही प्राप्त होगा। तो इसलिए कुछ आलसी लोगों को भी आप अपनी संगत के अंदर जरूर रखिए, ताकि वो आपको उस कठिनाई से सरल रास्ता जरूर बताएंगे कि आप उस कठिनाई से कौन से सरल रास्ते से जल्दी पहुंच सकते हो।
तो ये कुछ पांच ऐसी जानकारी हैं, अगर आप इन पांच गोल्डन रूल को अपनाते हो तो आपका जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो रास्ता है, पथरीला, कांटों भरा, या फिर हम कह सकते हैं कि गड्ढों से भरा हुआ, लोग आपकी टांग खींचते हैं, बार बार आपको ताने कसते हैं, बार बार आपको सजेशन देते रहते हैं, बार बार आपको डिमोटिवेट करते रहते हैं, तो ऐसे रास्ते के अंदर आपको कोई भी ऐसे लोग नहीं प्राप्त होंगे, और केवल उस रास्ते के ऊपर चलते समय केवल और केवल आपको अपना गोल ही दिखाई देगा, और उस गोल को आप बहुत ही आसानी से इन नियम को अपनाकर, गोल्डन रूल को अपनाकर बहुत ही जल्द से जल्द प्राप्त कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, यही कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर ली जाए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर, और अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।